एक हफ्ते में देशवासियों की जरूरतें काफी बदल गई हैं। कोई अस्पताल में बेड मांग रहा है, कोई दवाई मांग रहा है, कोई वैक्सीन मांग रहा है, और जिसे ये सब जरूरतें पूरी करनी चाहिए वो वोट मांग रहा है। निकाल। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम, दिस इज सार्थक एंड यू आर वॉचिंग हफ्ता निकाल। देखिए, मैं जानता हूं कि इस वक्त जब कोविड बॉम्ब फट रहा है, लोग मर रहे हैं, हेल्थ केयर कोलैप्स कर चुका है, तो न्यूज ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए अगले 10 मिनट में हम आपको न्यूज बताकर और एंग्जाइटी नहीं देंगे, बल्कि वही करेंगे जो सरकार ने पूरे पेंडेमिक हमारे साथ किया है, मजाक। लेकिन इससे पहले हंसी मजाक का सीरियस सिलसिला शुरू हो, चलिए देखते हैं हेडलाइंस ऑफ द वीक। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित दंगाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त चला है दिन की सबसे जहरीली लाइंस का, यानी कि आज की हेडलाइंस का। रमजान और कुंभ के बीच कोरोना का कहर जारी, मंदिर मस्जिद हुए बंद, अस्पतालों में उमड़ी भीड़। इलेक्शन के बाद अब देश भी भगवान भरोसे, कोरोना के चलते देश के कई राज्यों में हुआ लॉकडाउन। कोरोना विस्फोट के बाद सड़क पर उतरे देश के कर्मठ नेता, लाखों की संख्या में रैली कर सोशल डिस्टेंसिंग का दिया संदेश। लॉकडाउन के बाद देश के पड़ोसियों पर एक और संकट, बच्चों के बोर्ड्स एग्जाम हुए कैंसिल। अस्पतालों में दवाई और बेड्स की कमी पर सरकार का एक अनोखा प्रस्ताव, वैक्सीन की बनाई जाएगी एक भव्य मूर्ति। देखो, माना कि इस वक्त देश भर की खबरें काफी डिस्टर्बिंग है, लेकिन आप अब भी पॉजिटिव सोचो, क्योंकि यही तो समय है पॉजिटिव सोचने का, वरना नेगेटिव तो कुंभ में जाने वाले सभी लोगों की कोविड रिपोर्ट भी है। चलिए एक पॉजिटिव खबर के साथ शुरुआत करते हैं। पिछले हफ्ते बच्चा पार्टी ने लड्डू तब बांट दिए जब कोविड के चलते कई स्टेट बोर्ड्स ने अपने एग्जाम्स या तो कैंसिल कर दिए हैं या तो पोस्टपोन कर दिए हैं। सीबीएसई बोर्ड ने भी अपने 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं और 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए हैं। वहीं आईएससी बोर्ड ने दोनों ही एग्जाम्स को पोस्टपोन करने का फैसला ले लिया है। सभी पेपर कैंसिल कर दी। देखो, इस शोरगुल में लोग 10th स्टैंडर्ड के बच्चे और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों की बात कर रहे हैं। मुझे बुरा लग रहा है 11th वालों की सोच के, मतलब बेचारों की हालत ट्रैफिक में फंसी गाड़ी की तरह हो गई है। 10th वाले पीछे से हॉर्न बजा रहे हैं और 12th वाले आगे से गाड़ी नहीं बढ़ा रहे। लाइफ खराब हो गया मेरा। वैसे खबर इतनी भी खुशी वाली नहीं है, बच्चों का क्या है, वो तो इंस्टाग्राम रील पे नाच लेंगे। बेचारे पड़ोस वाले अंकल आंटी, उनका तो सोचो, उनका तो जीने का पर्पस ही खत्म हो गया। एग्जाम कैंसिल कर दिया, बगल वाले पिंटू का तो खौफ ही खत्म हो जाएगा हमसे। अरे कोरोना आज है कल नहीं है, इस पेंडेमिक का तो वैक्सीन ही खत्म कर दिया आप। साल भर क्रिकेट खेल खेल के हमारे घर की कांच तोड़ता है ये। हर साल होली पर सफेद पेंट करवाते हैं हम, एशियन पेंट वाला, पान थूक के जाता है। पिछले साल दिवाली पे हमारे कच्छा के नीचे सुतली बम लगा के बुला दिया था। एक यही तो दिन था बदला लेने का, इसके एग्जाम की जितनी तैयारी ये नहीं किया था उतनी हम किए थे। साइबर कैफे वाले को टेंडर दिए थे 100 फोटोकॉपी का, क्या जवाब थे बताइए। पिछले साल जब ये फेल हुआ था तो हमने मोतीचूर के लड्डू बंटवाए थे देसी घी के पूरे मोहल्ले में। अपने खुद के लड़के के पास होने पर डालडा की बर्फी बंटवाई थी, क्या जवाब थे किसी को बताइए। एग्जाम कैंसिल कर, अरे हार्ट के मरीज हैं हम, डायबिटीज है हमको, इसका परसेंट पता नहीं चलेगा तो हमारा बीपी का परसेंट कितना बढ़ेगा पता है आप लोगों को। एग्जाम कैंसिल कर दिया हाई सीबीएसई। चलिए अब थोड़ी एंजाइटी की दुकान में डाका डालते हैं। इस वक्त देश में कोरोना वायरस ने कहर मचाया हुआ है। कई स्टेट्स में नाइट कर्फ्यू और कई स्टेट्स में लॉकडाउन तक लग चुका है। हर रोज 2 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और 100 से ज्यादा मौतें भी रिपोर्ट हो रही हैं। सिर्फ पिछले एक हफ्ते में 10 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 10 लाख केसेस। टू पुट इन टू परस्पेक्टिव, हमारे पड़ोसी देश भूटान की पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है जितने हमने पिछले एक हफ्ते में कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट कर लिए हैं। यही नहीं, पूरा हेल्थ केयर सिस्टम भी कोलैप्स कर चुका है। देश के हर कोने में इस वक्त वैक्सीन, हॉस्पिटल बेड्स और मेडिसिन की भारी कमी हो चुकी है। रेमडेसिविर, इस दवाई का जितना प्रोनंसिएशन मुश्किल है उतनी ही इसकी अवेलेबिलिटी में भी प्रॉब्लम आ रही है, और इसको रामाधीर बोलना बंद करो प्लीज। और वहीं दूसरी ओर देश के लोग इतने महान हैं कि जब महामारी पीक पर है तो कहीं गोबर पार्टी हो रही है, कहीं इफ्तार पार्टी हो रही है, कहीं कुंभ में डुबकियां लगाई जा रही हैं, मतलब जलते हुए घर में बॉनफायर की पार्टी हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि जनता जब इतनी पीड़ित है तो राजा नेता कुछ तो कर ही रहे होंगे ना। नेता लोग आज भी अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर खेल रहे हैं और वही कर रहे हैं जिसमें वो बेस्ट है। मेनली दो काम, पहला इलेक्शन रैली और दूसरी बकवास। फॉर एग्जाम्पल, जिस स्टेट में कुंभ हो रहा है उस स्टेट के सीएम तीरथ सिंह रावत उर्फ घुटना सुर रिप जींस वाले
इनका कहना है कि मां गंगा के आशीर्वाद से कोरोना नहीं होगा, वो बहाव में बह जाएगा। ये सुन के मुझे भी डुबकी मारने का मन कर रहा है, बस चुल्लू भर पानी में। बस नहीं करता इन लोग का, वरना वैक्सीन में गंगा जल मिला नहीं है। सिर्फ यही नहीं, मध्य प्रदेश के एक नेताजी कुछ इतने सेंसिटिव है मैटर को लेकर। रोजी ना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है, उसको तो मरना भी पड़ता है। हाँ, मर रहे हैं तो मर रहे हैं, हंसो मत, द जोक इज ऑन अस। क्योंकि 2014 और 2019 में आपने जिसको भगवान मान लिया था, वो 2021 में आपको इंसान भी नहीं समझ रहा। ताली बजाओगे? देखिए, इस हफ्ते कोविड के शोर में बाकी खबरें कहीं दबसी गई हैं, इसलिए चलिए जल्दी जल्दी उनकी अपडेट दे देता हूं। 8 तारीख को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि IMF ने कहा है कि इंडिया का डेट टू GDP रेशियो 74% से बढ़कर अब 90% हो गया है। हालांकि रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि इकोनॉमिक रिकवरी के बाद ये वापस 80% तक आ सकता है। अब समझ में नहीं आ रहा इस रिपोर्ट को सीरियसली लूं या नहीं लूं, क्योंकि शायद IMF वालों को पता नहीं है कि हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान गंगा मैया में डुबकी लगाने का है। 16 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक डेटा के मुताबिक इंडिया का होलसेल इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर 8 साल में अधिकतम 7.39% तक पहुंच चुका है। साफ साफ भाषा में बताऊं तो जिन नेताओं को आपकी फटी जीन से प्रॉब्लम है, उन्होंने आपकी जेब भी फाड़ दी। अब अच्छे दिन, बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। पिछले हफ्ते दो और रिपोर्ट भी आई, जहां फोर्ब्स की बिलियनेयर लिस्ट ने बताया है कि पिछले साल लॉकडाउन के बाद हमारे देश में 38 अरबपति और ऐड हुए हैं। वहीं ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट ने यह भी बताया कि पिछले साल ही लॉकडाउन के बाद देश की फूड इनसिक्योरिटी बढ़ गई है और अब देश के करोड़ों लोगों को खाने में कटौती करनी पड़ सकती है। मतलब ओ शिट, मतलब अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, मिडिल क्लास का तो ये नहीं कटी जाता है। क्या करते हो? इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी, अब लाइक नहीं किया ना तो कोरोना का पता नहीं, मैं जरूर मार दूंगा तुमको। चलिए नॉर्मल खबरों से हटकर थोड़ा ANI खबरों पर ध्यान देते हैं। भोपाल के एक दंपत्ति ने 3 साल में 18 बार घर बदल दिया है क्योंकि वाइफ को कॉकरोच से डर लगता था। दीदी, ये आपके शहर की मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट है और आपको कॉकरोच से डर लग रहा है, ये क्या बात हुई? देखिए, डलगोना के कांड के बाद हमें यह तो पता ही था कि इंसान लॉकडाउन में बावला हो जाता है, लेकिन इस बार तो एक सज्जन ने मैगी के लड्डू का आविष्कार कर दिया। हेलो कोरोना, हमें एड्रेस भेज रहा हूं, उबर करके आ जाओ तुम। कनाडा में एक मिनिस्टर साहब सेम बप्पी सेम पोजीशन में पार्लियामेंट जूम मीटिंग अटेंड कर लिए। हाँ, अब लग रहा है कि काफी पंजाबी लोग कनाडा पहुंच गए, मतलब MP ही हैंगओवर में उठ रहा है। जट रिस्की After party whiskey. देखो, नेता किसी भी देश का हो निर्वस्त्र ही होता है। ये भाई साहब कपड़े से निर्वस्त्र हैं, हमारे नेता आइडियोलॉजी से निर्वस्त्र होते हैं। एक दुल्हन ने अपनी सास की ड्रेस पर गर्मा गर्म सब्जी गिराने के लिए एक वेट्रेस को रिश्वत दे दी। देखो, मैं पर्सनली इस महिला को नहीं जानता हूँ, लेकिन ये पक्के में राशि थी। कुकर में से चने निकाल दिए और सास के गाउन पर गिरा दिया। देखिए, फैज अहमद फैज ने कहा है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ऐसे ही इस मुश्किल की घड़ी में भी ऐसी कई खबरें हैं जो थोड़ी ही सही पर उम्मीद तो दे रही हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ द वीक। इस समय लाखों लोग कोविड पेशेंट्स को मेडिकल सप्लाईज और सर्विसेज पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। कोविड के बाद जब देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई की डिमांड बढ़ गई, तब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल यूज ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके कोविड पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई कर रही है। अगली पॉजिटिव खबर है न्यूजीलैंड से, जो 2050 तक कार्बन न्यूट्रल यानी कि जीरो कार्बन इमिशन वाला देश बनने का प्लान कर रहा है, और इसीलिए न्यूजीलैंड जल्द ही दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा जो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लॉज लेकर आने वाला है। अगर आपको इसी की तरह और भी पॉजिटिव खबर पता है जो हम मिस कर गए हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और सबको थोड़ी उम्मीद वाली धूप और सनशाइन वाली आशा दीजिए। चलिए अब देखते हैं कि इस हफ्ते का सबसे तड़ाकेदार, कड़ाकेदार और मसालेदार मीम कौन सा था। चुनाव रैली में जा रहा है? नहीं तो कुंभ में? नहीं तो IPL? नहीं फिर क्यों बाहर घूम रहा है, कोरोना फैला रहा है, मार पुट्ठे बजाओ। ऐसे ही होता है। अगला मीम है IPL से रिलेटेड, जो है पंजाब किंग्स की जर्सी से इंस्पायर्ड, RCB लाइट। हाँ यार, पंजाब किंग्स ने RCB की पुरानी जर्सी मतलब पूरी ही कॉपी मार दी। इतनी मुश्किल से तो राहुल और गेल ने टीम बदली थी, उनको तो डेजावू हो गया ना। चलिए अब बात करते हैं उस वायरस की जो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीन किसी से नहीं जाने वाला। मतलब देश चाहे पेंडेमिक से जूझ रहा हो, चाहे रिसेशन से, चाहे दंगों से, इनका सिर्फ एक ही काम है, उठो, नहाओ, सरकार की लाज बचाओ, जनता से गाली खाओ, सो जाओ। क्या मजहब के आधार पर कट्टरपंथ को पालना क्या कुछ लोगों का शौक हो गया है? क्या इस्लाम के नाम पर
गला काटने की बात सही। ओवैसी जी भी तो इसी लोकतंत्र का हिस्सा है ना, आपकी निगाहें कहाँ है और निशाना कहाँ है? ये जो हाई वोल्टेज इलेक्शन है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? संतों पर लाठीचार्ज के लिए माफी मांगने वाले अखिलेश यादव अयोध्या नरसंहार को कैसे भूल गए? भाई चुल्लू भर पानी लेके आना। चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ कॉमेंट्स। डिवाइन एनर्जी पॉजिटिव कहते हैं, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, और जहां वोटिंग है वहां ये अप्लाई नहीं। वाह मित्रों वाह। इरशाद यू टेक इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट कहते हैं, हफ्ता निकाल इज द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर रिपब्लिक टीवी। नहीं भाई, क्योंकि हम लोग कंटेंट बनाते हैं, वो लोग कंटेंट हैं, हम लोग जोक मारते हैं, वो लोग जोक हैं। निलंजना नंदी जी कहती हैं, यू हैव अ डेंजरस सरनेम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हाँ पापा सरनेम बदल सकते हैं? अच्छा जायदाद से निकाल दोगे, ठीक नहीं कुछ ओके। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ खबरें। अगर हमसे कोई खबर मिस हो गई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि उसे अगले एपिसोड में जरूर कवर करें। पिछले हफ्ते की खबरें आपको इस वाले एपिसोड में मिल जाएंगी। और हाँ, हालत काफी खराब है तो नेताओं की तरह परमानेंट नहीं तो कम से कम एक यूज एंड थ्रो मास्क तो जरूर पहन के रखिए, क्योंकि मीडिया वायरस और कोरोना वायरस आपको दोनों से ही बच के रहना है। अगले एपिसोड में मिलेंगे। अब ता निकाल।